और जब तक मैं बहन मानिया बहन जी को जो है भारत देश का प्रधानमंत्री नहीं बना लेंगे तब तक हम चैन से बैठेंगे। मैं मानवर साहब का चेला हूँ। मानवर साहब हमको 5-6 घंटा हमारे साथ में बैठे हैं दिल्ली केंद्रीय कार्यालय पे। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगा उस दिन जो है भारत देश का संविधान खत्म हो जाएगा। चंद्रशेखर के नाम से हमारे जिला में एक वोट नहीं है। मानवर कांशीराम साहब के पुण्यतिथि पर जो है यहाँ पर बहन मायावती जी संबोधित करने आ रही हैं और यहाँ पे एक स्टार प्रचारक दिखे हैं जो बहुजन समाज से हैं। आइए उनसे भी बात करेंगे। उनका नाम जो है सर्वेश कुमार वर्मा है, ये देख सकते हैं आप। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज जागरूकता अभियान करके जो है ये अपना बोर्ड लगाए हैं, नंबर भी है आप लोग देख सकते हैं। ये नीला झंडा भी है और हाथी है, ये बहुजन समाज पार्टी का जो है झंडा है। आइए बात करते हैं इनका क्या मिशन है, ये कब से इस साइकिल को लेकर चल पड़े हैं और बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए क्या कर रहे हैं। क्या नाम है सर, क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार वर्मा नाम हमारा है। गांव जलालपुर, तहसील बिलग्राम, जनपद हरदोई का रहने वाला हूँ मैं। कब से जुड़े हैं आप, कब से स्टार प्रचारक प्रचार का काम कर रहे हैं? ये 2020 मानवा साहब के 9 अक्टूबर जो है पूर्णिमा दिवस से 2020 से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तब से मैं चल रहा हूँ। अभी कब तक चलेंगे आप, ऐसे हम ये जानना चाहते हैं। 2024 में माननीय बहन जी को 5वें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर उत्पाद और उसके बाद में भारत देश का 24वें प्रधानमंत्री बनाने का हमारा लक्ष्य है। तब तक मैं इसे घूमता ही रहूँ। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप कौन कौन से जिले, कितने जिले में जा चुके हैं ये साइकिल के माध्यम? 18 जिला में जा चुका हूँ। 18 जिले में? क्या जिले को कुछ गिनती में गिना सकते हैं क्या? बिल्कुल, हाँ बताइए। अब मैं अपने हरदोई से चला हूँ, लखनऊ मैं पूरा घुमा हूँ, लखनऊ से मैं अब जो है बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर होते हुए मुगलसराय, बनारस, बनारस से जो भदोही, भदोही से जो है इलाहाबाद, इलाहाबाद से जो है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से रायबरेली, फिर मैं आकर लखनऊ से फिर सीतापुर, फिर लखीमपुर गया हूँ। ये बता रहे हैं हम जो है 12 जिलों में टहल कर यहाँ पे पहुँचे हैं 18 जिलों में। एक समय हुआ करता था कि जो है राजाओं का और जो माफिया हुआ करते थे, अगर बसपा के कार्यकर्ता को देख लें, बसपा का नीला झंडा देख लें, तो जो है बसपा के कार्यकर्ता के ऊपर प्रहार कर देते थे, लाठी बरसा देते थे। आज लेकिन ये खुलेआम निकल रहे हैं, क्या कहीं आपको डर नहीं लगता क्या? मैं मानवर साहब का चेला हूँ। मानवर साहब हमको 5-6 घंटा हमारे साथ में बैठे हैं दिल्ली केंद्रीय कार्यालय पे। 20/1/96 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मानवर साहब ने हमको बहुत कुछ बताया, तो आज मुझको सत्य साबित हो रहा है। तो हमारा जो है, जैसे हमारे साहब मानवर साहब ने सोती समाज को जगाया है, बहुजन समाज पार्टी का गठन किया है, उनके आधार पर मैं वही कार्य मैं अपना करने लगा। 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किस तरह से आप अपने साइकिल की तरह से क्या तैयारी कर रहे हैं? हम 18 जिला में गया हूँ, 18 जिला से हमको यही पोजीशन आ रही है कि यहाँ जिला में बहन जी की सभी सीटें निकल नहीं, और जिले में तो जो है अपने ही दलित समाज के जो है कट्टर योगी बनकर बैठे हैं, उनके वो ये तो दलाल चमचा हर जगह पे हैं। दलाल चमचाओं की बात नहीं, हम कार्यकर्ताओं की मैं बात करता हूँ। जो कार्यकर्ता है जनता की मैं बात कर रहा हूँ, सर्व समाज की मैं बात कर रहा हूँ। आज बहुजन समाज पार्टी में सर्व समाज है पूरा, ऐसी कोई जात नहीं जो बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं। लगातार जो है योगी सरकार अपने वंचित समाज को, जो बहुजन समाज के लोग हैं, तबके समाज के लोग हैं, उनको फ्री का राशन देकर वोट लुभाने का मौका देख रही है, क्या सोच रहे हैं? ये फ्री का 5 किलो राशन से जनता का कुछ होने वाला नहीं है। मानवर साहब ने कहा है ये जो है 2 रुपए का चावल से 200 रुपए अपना समाज ऐसा बनाऊंगा, 200 रुपए किलो चावल खरीदने का अपना समाज बनाऊंगा। मानवर साहब का एक मंत्र था, मूल मंत्र था मनी माफिया मीडिया, मनी माफिया मीडिया के विस्तार करना चाहेंगे आप, क्या करना चाहेंगे उसके?
अब इसका हमारा जो तन मन धन बहुजन समाज पार्टी के लिए हमारा जो है सब समर्पित है, और जब तक मैं बहन मान्या बहन जी को जो है भारत देश का प्रधानमंत्री नहीं बना लेंगे तब तक हम चैन से बैठेंगे। क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पे भीड़ हुई है, यहाँ पे काफ़ी युवा हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिला भी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर जीत करेंगे मैडम? हमारी 250 के ऊपर उत्तर प्रदेश में सीट निकल रही है, बहुजन समाज पार्टी 250 के ऊपर सीटें जा रही हैं। वहाँ योगी जी भी दावा कर रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, 350 पार का दावा कर रहे हैं। अरे योगी जी मशीनों की बदौलत, ईवीएम की बदौलत से वो दावा कर रहे हैं, हम ईवीएम की बदौलत से नहीं दावा कर रहे हैं, हम जनता की बदौलत से दावा कर रहे हैं। तो ईवीएम के बदौलत से अगर वो दावा कर रहे हैं तो बसपा को भी ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए, क्या नज़र है इस पर? जनता मान्य बहन जी ने हमारे सबसे पहले 2017 में ईवीएम का जो है मुद्दा उठाया था, 17 में सबसे मान्य बहन जी ने ही मुद्दा ईवीएम का उठाया था, तो बहन जी की बात को कोई जो है स्वीकार नहीं किया था। इसके अलावा आपके पास कोई और काम है या प्रचार ही करते हैं? हम पहले जो है गैस का काम करते, गैस का काम हमने बंद करके जब से हमने साइकिल से हमने लिया है मालवे साहब का पुनर्निर्माण दिवस पर जब 2020 से आशीर्वाद लेकर के, तब से हम यही कार्य कर रहे हैं। आपके घर में जो है क्या सभी बसपा के कट्टरता समर्थक हैं? बिल्कुल हैं, हमारे घर में सभी समर्थक। क्या लगता है आने वाले समय में जो है बहन जी के ही साथ रहेंगे या चंद्रशेखर भी आ रहे हैं उनके साथ ना हो जाए? चंद्रशेखर के नाम से हमारे जिला में एक वोट नहीं है, जिला ये तो हमारा सर्व सभी समाज हमारा जानता है कि यह बहुजन समाज को बांटने के लिए चंद्रशेखर को आरएसएस कांग्रेस ने उतारा है, ये सभी हमारा समाज जानता है। जो है उसको जो है ब्राह्मण के नाम से चंद्रशेखर को एक वोट नहीं है। जिस तरह से देखा जाए तो कहा जाता है कि 2007 वाली जो रणनीति राजनीति है अब 2022 में दिखाएंगे सर्व समाज को लेकर, जय श्री राम का नाम। 2007 में सभी विरोधी पार्टियां हमारी यही कहती थी कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, जब 2007 का चुनाव हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, वही नतीजा फिर 2022 में आने वाला है। सभी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, तो ये तो 2022 का बताएगा जनता किसके साथ है। बहुजन समाज पार्टी को जो है खत्म करने के लिए बड़े बड़े प्रचार भाजपा करवाती है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, क्या विचार है? वो इसलिए खत्म, ये बहुजन समाज पार्टी की बदौलत भारत देश का संविधान बचा है। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी, उस दिन जिस दिन भारत देश का संविधान खत्म हो जाएगा, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी उस दिन जो है भारत देश का संविधान खत्म हो जाएगा। इस साइकिल पे जो है एक आप बॉक्स रखे हैं, इस बॉक्स में क्या है मैं जानना चाहता हूँ जी, इसमें क्या है मैं जानना चाहता हूँ? इसमें हमारा घर गृहस्थी का सामान है। जब आप चलते हैं क्या राशन पानी है क्या? इसमें हमारे कपड़े हैं, पंप हमको जरूरत पड़ती है, रजिस्टर है हमारे, और जो भी हमारा जरूरत का सामान इसमें है और हमारा कुछ नहीं। आप लोग देख रहे हैं ये साइकिल पे जो है एक बक्सा रखे हैं जो स्टार प्रचारक हैं, इसमें कह रहे हैं कपड़ा है और साइकिल में हवा डालने वाला पंप है, राशन है जो इसी से पूर्ति होती है इनकी दैनिक जीवन का, और साइकिल लेकर बसपा के लिए निकल पड़ते हैं ये। 18 जिलों में जा चुके हैं और अभी कितने जिलों में जाएंगे आप चुनाव होते हुए? पहले मैं अपना हरदोई जिला पहले घूम लें, हम 8 विधानसभा गांव-गांव घर-घर घूम लें, समय मिलेगा अन्य जिलों में हम जाएंगे। समय मिलेगा तब जाएंगे, कोई टारगेट नहीं है क्या? टारगेट का पहले हम अपना जिला में हमारे 8 विधानसभा निपटा करके, हमारा दावा है हरदोई जिला से मान्य बहन जी को हम अपने 8 के 8 सीट जीत करके हम दें, ये हमारा दावा है। अब कहा जाता है कि इस सम्मेलन से जो है विरोधी घबरा गए हैं, दूसरी तरफ वामन मेश्राम साहब कार्यक्रम कर रहे हैं, वामन साहब कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या नज़र है? कहीं षड्यंत्र तो नहीं है? अरे वो तो हर समय करते हैं, 2007 में भी वो करते रहे हैं, ये सभी जानते हैं। मानवर साहब के पहले कितने नेता थे, मानवर साहब के पहले बहुजन समाज पार्टी के कितने नेता थे, कितने बाबा साहब को मानने वाले थे, और ये बाबा मानवर साहब ने कहा था जब बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में तैयार हो जाएगी तब इसी पार्टी से तमाम दलाल चमचा निकल पड़ेंगे, अपना अपना संगठन बना लेंगे, बहुजन समाज पार्टी को तोड़ेंगे, ये तो मानवर साहब ने कहा था, वही आज सामने है। ये बता रहे हैं मानवर साहब कहा करते थे
कि बसपा एक फैक्ट्री है जो नेता निकालती है, आगे चलकर जो चमचा बनेगा वो अन्य दल बना लेगा, अन्य पार्टी बना लेगा।